हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिस सीरीज का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन में उप्स का यूज क्यों है और कैसे है, ये सारी डिटेल्स हम इस सीरीज में देखेंगे। उप्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक इस सीरीज में हम कवर करेंगे, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आपके पास क्वेश्चन होगा कि उप्स क्या है या उप्स का यूज हम क्यों करते हैं, तो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि उप्स होता क्या है, इसके बाद इसका क्यों यूज करते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग होती है ऑब्जेक्ट बनाने के साथ। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल गेम, अगर आप किसी गेम को इमेजिन करेंगे तो उस गेम में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारी कार्स होती है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे पेडेंट्रींस होते हैं। अगर आपको किसी घर में इंटर होने का कोड लिखना है, ठीक है, अब उस कोड को कहीं और आपको यूज़ करना है, तो उस कोड को आप बार बार नहीं लिखेंगे या उसको डिस्क्राइब आप बार बार नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, उस कोड को एक बार लिखना है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जब भी आपको उस कोड को यूज़ करना है तो आप उस कोड के जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डायरेक्टली कोड करके बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको ये होता है कि एक बार लिखे हुए कोड को आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, इसको आपको बार बार नहीं लिखना है। जैसे प्रोग्रामिंग में पहले फंक्शन का यूज करते हैं, फंक्शन भी एक रीयूज करने का तरीका है, लेकिन फंक्शन में और उप्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये भी हम इस सीरीज में आपको बताएंगे। इसके बाद इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को हम बहुत सही से इस सीरीज में देखेंगे। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोग्रामर को पूरा एक्सेस नहीं होना चाहिए कोड का। फॉर एग्जांपल आपको कुछ फाइलें या कुछ डेटा को पब्लिक रखना है, कुछ को प्राइवेट रखना है, या अपने कोड को प्रोटेक्ट करना है या प्रोटेक्टेड फाइल्स क्रिएट करना है, तो आप उप्स में ये कर सकते हैं, वरना कोई भी अपने कोड को एक्सेस कर सकता है। उसी तरह जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डिक्लेयर करते हैं, अब उनके साथ होता क्या है, कोई भी प्रोग्राम उनकी वैल्यूज चेंज करके चला जाता है। अगर आपने कुछ वैल्यू डिसाइड की है या उसके द्वारा जो वैल्यू आपने उसमें पुट की है उसके साथ आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, कोई प्रोग्रामर आया या किसी और प्रोग्रामर ने उसको वैल्यू को चेंज कर दिया, तो ये तो आपके साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, आपका कोड रन नहीं होगा। उसके बाद जो भी बॉस होगा, आपका सीनियर होगा, वो तो आपको बोलेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जैसे आपके पास एक फंक्शन है, अब सिमिलर तो कोई दूसरा फंक्शन है, तो आप उसका कोड क्या बार बार लिखेंगे, नहीं ना। तो ये हमने एक मोटा मोटा जाना है कि आप इस सीरीज में क्या क्या देखने वाले हैं या हम इस सीरीज में आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उप्स से रिलेटेड पाइथन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये सीरीज देखने के बाद। अगर जैसे आप उप्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो उप्स का महत्व या इंपॉर्टेंस सिर्फ पाइथन में नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेज में आपको अच्छी तरह से यूज आती है। अगर एक बार आप उप्स के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में आपको उप्स से रिलेटेड डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सीरीज में आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्लासेस ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन या पॉलीमॉर्फिज्म या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी सिंगल डिटेल्स हैं हम इस सीरीज में पूरी कवर करेंगे। ये सीरीज देखने के बाद उप्स से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। उप्स इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पाइथन में नहीं, अगर आप एक बार उप्स के बारे में अच्छे से सीख गए या उसके बारे में अच्छे से लर्न कर लिया, तो आपको किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उप्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इस सीरीज में आप बने रहिएगा और ये सीरीज आपके लिए कितनी यूजफुल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। और अभी रिसेंटली किसी ने मैसेज में पूछा था कि सर आपके पीछे बैकग्राउंड में ये डेकोरेशन क्या है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि फंक्शन हमारे यहाँ भी मनाए जाते हैं और थोड़ा बहुत अधिकार डेकोरेट करने का हमें भी दो यार। थैंक यू।